नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक मोहना, स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इंदौर, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं जो कि पीआरपी हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि हमारी ऑडियंस ने आपको पहले से भेजे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बाल झड़ने के क्या क्या कारण होते हैं? बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि मेन 6 रीजंस होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला कारण होता है प्रदूषण, तनाव, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स के प्रभाव, अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट फैक्टर्स, जैसे कि आजकल जो आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, इन सभी चीज़ों का असर बाल की जड़ों पर पड़ता है। और बाल की जड़ें कमज़ोर होने के कारण, जो बाल मोटे हैं वो पहले पतले होते हैं, फिर वो रुएं जैसे होते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके जड़ें भी ख़त्म होने लगती हैं। बाल झड़ने या पतले बालों के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? बाल झड़ने और बाल पतले होने में और गंजापन आने में, दोनों में कुछ अंतर होते हैं। जो शुरुआती बाल झड़ना है, जिसको हम वॉल्यूम कम होना भी बालों का बोलते हैं, या पतला होना या रुए जैसे होना बालों का बोलते हैं, यहाँ तक बाल की जड़ें जिंदा हैं। और अगर बाल की जड़ें जिंदा हैं तो बाल की जड़ों को मजबूत करने वाले इलाज, जैसे कि मीजोथेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट या लो लेवल लेज़र थेरेपी, इनसे फ़ायदा लिया जा सकता है। लेकिन यदि समय ज़्यादा हो गया है और बाल की जड़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। क्या मात्र दवाइयों से बाल झड़ना रुक नहीं सकते? बिल्कुल रुक सकते हैं। अगर शुरुआत ही बाल झड़ रहे हैं और बाल झड़ना कुछ समय से स्टार्ट हुआ है और बाल की जड़ों में अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आई है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से ही बात बन जाती है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक पिलर होता है मेन ट्रीटमेंट का, जो कि सबसे सपोर्टिव रोल में देता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ द मस्ट फॉर एनी थेरेपी, जिसमें कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, शैम्पू होते हैं, जो कि पेशेंट्स को घर पे करना होता है। जैसा आपने पहले बताया कि बाल झड़ने के ट्रीटमेंट ऑप्शंस कई होते हैं, मीजोथेरेपी, पीआरपी, तो ये पीआरपी हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है? पीआरपी हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, इसका कंसेप्ट ये है कि हेयर ग्रोथ के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो तत्वों की ज़रूरत है, वो हमारी बॉडी में तो मौजूद हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बाल की जड़ों तक नहीं पहुँच रही हैं। और बाल की जड़ों तक नहीं पहुंचने के कारण बाल की जड़ों में कमज़ोरी आ रही है, जिससे कि बाल झड़ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया से, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से 20 ml ब्लड लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको विशेष तरह की मशीन से प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि अंततः एक 30-45 मिनट्स के बाद एक ग्रोथ फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है। इसको फिर डायरेक्टली हेयर रूट्स पे डिलीवर किया जाता है, जिससे कि बाल की जड़ों में मजबूती आती है। तो क्या ये ट्रीटमेंट सिर्फ हेयर फॉल यानी बाल झड़ने के लिए है, या फिर पतले बालों को भी स्वस्थ किया जा सकता है इससे? ये ट्रीटमेंट उन सभी लोगों के लिए है जिनके कि बाल झड़ रहे हैं, बालों का वॉल्यूम कम हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं और अभी बाल की जड़ें पूरी तरीके से मृत नहीं हुई हैं, मतलब चिकनापन नहीं आया है स्कैल्प पे, वो सभी लोग पीआरपी ट्रीटमेंट से फ़ायदा ले सकते हैं। कितने सेशंस में पीआरपी का रिजल्ट देखा जा सकता है? हमारे सेंटर पर यूजुअली हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट मंथली सेशंस में करते हैं और 3-6 मंथ्स या 3-6 सेशंस जो है किए जाते हैं, एक एक महीने के अंतराल पर। शुरुआती 1-2 महीने में बाल झड़ना रुकते हैं, उसके अगले 1-2 महीने में पतले बाल मोटे होते हैं और फिर उसके बाद में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। क्या 6 सेशन से ज़्यादा भी पीआरपी की नीड रह सकती है? अगर बाल की जड़ों में कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए पीआरपी के ट्रीटमेंट के सेशंस आगे भी कंटिन्यू किए जा सकते हैं। लेकिन आगे ज़रूरी नहीं है कि वो मंथली सेशंस ही हों, आगे कभी कभी मेंटेनेंस के तौर पर 3-6 महीने में एक सेशन भी लिया जा सकता है, अगर ज़रूरत है तो। क्या पीआरपी के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? पीआरपी के रिजल्ट्स परमानेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक बाल की जड़ों को मजबूत बना के रखते हैं।
सिर्फ पीआरपी ट्रीटमेंट से ही बात नहीं बनती, इसीलिए हम हमारे सभी पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी एडवाइस करते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइट, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें डाइट में लें जो कि बाल की जड़ों को मजबूत बनाती हैं। जैसे अगर हम अच्छे से बाल की जड़ों को मजबूत बना के रखते हैं तो बहुत लंबे समय तक पीआरपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बरकरार रहते हैं। बस आखिरी सवाल, क्या इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या क्या इस ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को दर्द महसूस होता है? पीआरपी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करना चाहिए। दूसरा, ये ट्रीटमेंट अराउंड 30-45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, उनको डे केयर लंच टाइम प्रोसीजर्स बोलते हैं, जो कि करा के और आप वापस घर या फिर ऑफिस जा सकते हैं। कोई दर्द इनमें नहीं होता, कोई खास कष्ट नहीं होता, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और हमारे सेंटर पर हर इसमें खासकर माइक्रो नीडलिंग टेक्निक से और डबल स्पिन मेथड से और एक्टिवेटेड और एडवांस पीआरपी बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स पेशेंट्स को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।